करी रफली बलखन साहब बड़े ही खूबसूरत और आसन अंदाज में आए थे, मुकदसा को तलावत करने का शर्फ हासिल कर रहे थे। यकीनन उसमें क्राम भी तशरीफ फरमा है, मशाहिक भी मौजूद हैं, पीराने आजाम भी स्टेज की जीनत है। कुरान सुन के मोमन के दिल को सुकून मिलता है, जिसका मेरे जुमले से इत्तेफाक वज़र हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, जिसको यकीन है कि कुरान सुन के दिलों को सुकून मिलता है दोनों हाथ उठा के बोले ज़रा सुभान अल्लाह। इस तरह कारी साहब ने कुरान पढ़ा तो आपको तो झूमना चाहिए था, जैसे कि हम डोले माइये सुनकर झूमते हैं, मोमन को तो कुरान सुन के झूमना चाहिए, क्योंकि असल तो नात ये है कि तो कारी साहब ने तलावत की, इससे बड़ी तो कायनात में कोई नात नहीं है। और ये वो कुरान है, इसके बारे में हुजूर क़िबला मैं एक जुमला देने लगा हूँ कि कभी मजम्मल के रूप में तो कभी मदसर के रूप में, कभी मजम्मल के रूप में तो कभी मदसर के रूप में, कारी है खुद कुरान मोहम्मद के रूप में, जिसका अकीदा है वो बोले सुभान अल्लाह, दाया हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। कारी है खुद कुरान, कारी है खुद कुरान मोहम्मद के रूप में, कभी मजम्मल के रूप में तो कभी मदसर के रूप में, कारी है खुद कुरान मोहम्मद के रूप में, कारी है खुद कुरान, कारी है खुद कुरान मोहम्मद के रूप में। और शाह जी ये जुमला भी इत्तेफाक करता है, कल सुन रहे थे बंदे कहते जी को कुरान की अजमत ज़्यादा है, ये नबी की बढ़ा रहे हैं, मगर खुदा के बंदे कुरान नबी की ज़ुबान है, कुरान कहाँ से मिला है, मुस्तफ़ा की ज़ुबान से। पंजाबी का मैं जुमला पढ़ता हूँ और ये जुमला मेरे और तेरे अकीदे की तर्जबानी भी करता है। हकीकत सच सदा बोले, अरे साहब बड़ा खूबसूरत जुमला है ये, हकीकत सच सदा बोले है ज़बाने नबी जो खुदा बोले है, सारे कुरान बन गए जितों भी मेरा मुस्तफ़ा बोले है। पहले मैंने कहा जिसका अकीदा है कि मुस्तफ़ा की जबान कुरान है, हाथ उठा के कहेगा सुभान अल्लाह, दोनों हाथों उठा के कहो सुभान अल्लाह। हकीकत सच सदा बोले है ज़बाने नबी जो खुदा बोले है, सारे कुरान बन गए जितों भी मेरा मुस्तफ़ा बोले है, जितों भी मेरा मुस्तफ़ा बोले है। कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, तेरा मतान का हिसाब कोई नहीं, न्याज सारा जहान सोना पर अरबी चनदा जवाब, न्याज सारा जहान सोना पर अरबी चनदा जवाब। अगर आपसे बार बार मिनते करके सुभान अल्लाह कहलानी है तो फिर फायदा कोई नहीं, हाथ जोड़ के जिसमान अल्लाह कहलानी है। और कई तो शाह जी कई तो इस तरह मुंह बना के बैठे होते, जैसे ना नवी नवी दुल्हन आए वो नाराज हो जाए तो वो साइड पे बैठ जाती है, और हुजूर के मिलाद में जिसके चेहरे पे अफसुर्दगी आए ना, ये दौर ही नमा आ गया ना जी, नए पाकिस्तान में बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन हुजूर के मिलाद में कम से कम चेहरों पे तो मुस्कुराहट होनी चाहिए थी, वो ब्लीस था भाई, हम तो हुजूर के गुलाम है खुदा के बंदे। अब जिसको हुजूर की आमद की खुशी है ना, जरा दाया हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, इस तरह जरा कच बच कर बोले सुभान अल्लाह। शाह जी को पता है इन दिनों में दिन भी महफिलें, रात भी महफिलें, सफर सफर, नींद पूरी, आप बोलेंगे तो हमें भी मजा आ जाएगा, वरना आज कल कहीं और, मारे तो कम हुजूर की सुना है कि आप बोले जरा मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले जरा सुभान अल्लाह। किबला मेरा दिल चाहता है चूंकि इन दिनों में जो मौका और मुनासिबत है, हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ करने वाले भी उभर रहे हैं, लेकिन हुजूर के गुलाम भी जिंदा है, मुमताज़ कादरी की सुन्नत को जिंदा करने भी मौजूद, इसलिए मैं वो तराना चंद मिनट के लिए पढ़ने लगा हूँ, जाके अगर आपका दिल करे तो मेरे साथ पढ़ना, ये अकीदा रख के पढ़ना कि ये तराना कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा। किबला तशरीफ फरमा है, आला हजरत सुन्नियों के ताजदार ने वो तराना लिखा है, यहाँ तो हुजूर की उम्मत किबला कारी साहब पढ़ेगी, कब्र में भी पड़ेगी, लेकिन माशर के मैदान में तमाम उम्मतें पड़ेंगी। उस्ताद तशरीफ फरमा है, आला हजरत का वो तराना जो यहाँ तो हुजूर की उम्मत पड़ेगी, लेकिन माशर के मैदान में तमाम उम्मतें पड़ेंगी। आला हजरत आपने कमाल कर दिया, जब हुजूर का गुलाम कब्र में जाएगा दीदारे मुस्तफा करवाने के बाद फिर तब पूछेगा तू इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहता था,
तो खुदा की कसम मेरा अकीदा कहता है जो हजूर का गुलाम है या मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाता है गली मोहल्लों को सजा कर आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा की सदाएं लगाता है कब्र में पहुंचेगा दीदार मुस्तफ़ा करने के बाद कहेगा हाँ मैं दुनिया में अकीदा रखता था कि मेरे नबी की अजमत आला है मेरे नबी का रुतबा आला है मेरे नबी की शान आला है मैं दुनिया में भी यही कहता था कि दो जहानों में मेरा नबी सरदार है दो जहानों में मेरे नबी की अजमत आला है कब्र में भी कहेगा हशर में भी कहेगा वो हाथ उठाए जरा जो कहता है यहाँ भी कहूँ कब्र में ही कहूँ अशर में भी कहूँ वो दोनों हाथ उठाए जरा हाथ उठा आते जाते रहेंगे आपकी तो जो हजूर के जिक्र में होनी चाहिए जरा हाथों को उठाएं हजूर के नाम पर झंडे बनाएं आज दुनिया को बताएं कि अजमत वाले नबी के माने वाले बैठे हैं दो जहानों के सरदार नबी की गुलाम उम्मत बैठी है दोनों हाथ उठाकर झंडे बनाकर कहो जरा शादी यहाँ पे जुमला देने लगा हूँ लखा लखा जमाने ते आए नबी पर महबूबे खुदा जिया एक भी नहीं ते लखा सोने बन बन बैंदे पर तेरी खाके पा जिया एक भी नहीं तो फिर क्यों ना कहे हाथ उठा के कहो दोनों हाथ उठा के सबसे आला तू तनहा दारी हाथ उठा के बढ़ना है दोनों हाथों को ले आखर जाने खत्म सुखन इस पे कर दिया खाली का बंदा खले का माला कहूं तुझे हाथ उठा के कहते जिसके हाथ हाथ उठा के कहो ताज दारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद हाथ उठा के कहो जरा बाबा जी आखिरी जुमला अब हलाली बोलेगा वो हलाली कौन है जो हजूर का खाता है हजूर के गीत अब वो गाएगा अब हाथ उठाएगा जो हजूर का खाता है हजूर का खाता है हजूर को अपना हाथ वो उठाएगा तेरा हाथ उठाने क्या कहना है कौन देता है कौन देता है देने को वो चाहिए हाथ उठा के क्या देने को
खाने वाला हाथ उठा ले जिसको सुकून मिला है कि हुजूर का तराना गाया वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। इससे बड़ा तराना नहीं है ये तराना सुन के गुस्ताख को मौत आ जाती है। बड़ा करो दुनिया को बताया करो कि मेरी नबी की अजमत आला जौक और शौक और मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं हरियानाथ के लिए खूबसूरत सना खान बड़ी खूबसूरत आवाज़ जिना भी कारी अली वकास रिजवी साहब आप बुलाएंगे हजूर की बारगाह में बड़ी मोहब्बत और अकीदत से हदीय दुरूद सलाम पेश करने का शरफ हासिल करेंगे। आपके अम्मा से कबल मोहब्बत और अकीदत से नारा लगा दें नारे तकबीर और कोशिश करें कि जो मेहमान आए अगर